नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंड, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फ्रॉड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फॉन्ड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए लोमोंड, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फ्रॉड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फॉन्ड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को।
अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट, और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 33,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट, और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी,
जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट।
जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लुटनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट, और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000, और मूवी ने बॉक्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लुटनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट, और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है,
और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 33। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी
जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और
जेली कोब, जॉब सैंडविच, ब्रेटिन ब्लेस, ईट बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नजर आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नजर आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और उस समय की एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब, जॉब सैंडविच, ब्रेटिन ब्लेस, ईट बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नजर आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नजर आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और उस समय की एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब, जॉब सैंडविच, ब्रेटिन ब्लेस, ईट बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी
कलकार मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की, जो कि काफ़ी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम
मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सेंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईट बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम 9 दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब जॉब सैंडविड ब्रेटिन ब्लेस ईड बैनी जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सेंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब जॉब सैंडविड ब्रेटिन ब्लेस ईड बैनी जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सेंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड
लीड रोल में हेनरी फोंड ही नजर आए थे। लेजे कॉब ईट बैंकलो जैसे कई कास्ट नजर आए थे। सीनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 9 करोड़। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईट बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईट बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 9 करोड़। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईट बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब ईट बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स
कॉम्पॉम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंड, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पॉम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंड, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पॉम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने,
डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री नोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और
नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टोनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टोनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को।
अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईट बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे, लेजे कॉब, ईट बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट, और कंट्री थी यूनाइटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी,
जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men, जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम 9 नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जिससे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है, और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा, प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट।
जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईट बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है। और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट, एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने, एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने, एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की, तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है।
और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईट बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी
जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट। स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट। स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सिंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट। स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और
जेली कोब, जॉब सैंडविट, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था 33। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब, जॉब सैंडविट, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब, ईड बैंगलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जेली कोब, जॉब सैंडविट, मार्टिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ईटीसी
कलकार मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब इड बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किए थे सैंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री लिटलनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोर्ड ही नज़र आए थे। लेजे कॉब इड बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम, एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस, म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने, डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 Angry Men मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे, यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टूमैट, स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब, जॉब सैंडविड, ब्रेटिन ब्लेस, ईड बैनी, जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 Angry Men जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम
मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सेंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेज कॉब ईट बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 12 एंग्री मैन मूवी को। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई थी जो कि ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 36 मिनट। जैसे बात की जाए मूवी की तो IMDb पर रेटिंग मिली थी मूवी को 10 में से 9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग अब तक 100% का मिल चुका है और मूवी को गूगल यूजर ने 90% लाइक भी किए थे यानी कि मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सैंडी टोमेट स्टोरी दिए थे लैंगडी स्ट्रॉट्स ने। इस मूवी के लीड रोल में हेनरी फ्लोडो और जे ली कोब जॉब सैंडविड ब्रेटिन ब्लेस ईट बैनी जॉन सिवेको जैसे कई ETC कलाकार मूवी के लीड रोल में नज़र आए थे। 12 एंग्री मैन जो कि 1957 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई लीगल ड्रामा क्राइम मूवी थी जिसे डायरेक्ट किए थे सेंड्रे लोमोंट एंड मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे लैंड्री टनोस ने एंड प्रोडक्शन किए थे हेनरी फोर्ड ने एंड लीड रोल में हेनरी फोंड ही नज़र आए थे। लेज कॉब ईट बैंकलो जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। सिनेटोग्राफी दिए थे वॉरिक्स कॉम्पोम एडिटिंग किए थे क्लियर लेरेंस म्यूजिक दिए थे कॉनवे होम किम्स प्रोडक्शन कंपोज किए थे ऑर्निक नोवा प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनाइटेड आर्टिस्ट ने। रिलीज किया गया था 10 अप्रैल 1957 को। रनिंग टाइम थी मूवी की 96 मिनट और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट। मूवी का बजट था $33,000 और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 मिलियन की जो कि काफ़ी अच्छी कमाई की थी और उस समय की एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी।